नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ दो मुख्य अपडेट साझा करेंगे, जहां पर पहली अपडेट त्रिभुवन सिंह जी के द्वारा दी गई है और साथियों दूसरी अपडेट की बात करें तो आप सभी की अवकाश तालिका में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसके कारण सोमवार तक आप सभी के विद्यालयों में छुट्टी है। किन किन विद्यालयों में अवकाश है और कौन कौन से जिलों में अवकाश घोषित किया गया है, ये सारी जानकारी आगे वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट खुल चुकी है, आप सभी यहां पर देख सकते होंगे कि ऑफिशियल फेसबुक पेज है त्रिभुवन सिंह जी का, जहां पर उन्होंने एक जानकारी आपके साथ साझा की है। साथियों जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे जरूर देख लें। यहां पर लिखा है, दुखद खबर, आज दो घटनाएं अलग अलग जिलों में हृदयघात के चलते हुई। आप देख लें, कौशल सिंह चौहान एवं वीर सिंह सैनी की चिता की राख ठंडी नहीं पड़ी थी कि उन्नाव से सती प्रताप सिंह, आज बाराबंकी सूरतगंज से दिनेश कुमार सिंह एवं हरदोई हरियाणा से अनिल कुमार सिंह की मौत ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से विशेष अपील करता हूँ, एक फांसी का फंदा आप बना दीजिए और अवसाद में जी रहे एवं अवसाद से मर रहे लोगों को सीधे छुटकारा मिल जाएगा। आप यहां पर देख लें, धन्य हो बेसिक शिक्षा विभाग। अब यहां पर देख सकते हैं कि जो घटनाएं आपके सामने घटित हुई हैं, कुछ पिक्चर्स आप यहां पर देख लें। तीन पिक्चर्स यहां पर हैं, पहला आप देख लें सफीपुर उन्नाव हरियावा हरदोई, और तीसरा आप देख सकते हैं सूरतगंज बाराबंकी। साथियों ये जो तीनों घटनाएं हैं बहुत ही दुखनीय घटना है, बहुत ही दयनीय स्थिति है इस समय बेसिक शिक्षा विभाग की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके ऊपर साथियों आप सभी ने बहुत से ट्वीट्स रीट्वीट्स देखे होंगे और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसी भी घटना को आप अंजाम ना दें, आप सुरक्षित रहें और आप अगर चाहते हैं तो आप इन सारी घटनाओं का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि आप ट्विटर हैंडल पर कर सकते हैं, जिससे कोई ना कोई इफेक्ट सरकार के ऊपर जरूर पड़ेगा। केंद्र अपडेट क्या है एक बार मैं आप सभी को दिखा दूं। अब आप सभी की स्क्रीन पर अवकाश तालिका खुलकर आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप सभी गौर करते हैं, 17 सितंबर की डेट यानी कि शनिवार को अगर आप देखते हैं तो चेहल्लुम और विश्वकर्मा पूजा के कारण आप सभी के विद्यालयों में शनिवार को यानी कि 17 सितंबर को आप सभी के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। अब आप सभी को डायरेक्टली आप सभी को सोमवार को ही विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी है। अब ये जो अवकाश है ये किसी भी जिले में केवल मान्य नहीं है, पूरे प्रदेश में ये अवकाश आप सभी का मान्य है। आप अवकाश तालिका में भी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पूरी अवकाश तालिका चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बताएं, मैं आप सभी को वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। साथियों अभी यही दोनों अपडेट थी आप सभी के लिए, और अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।